Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here and just I'm going to explain you the very next chapter of your political science for class 10th, which is the chapter number 6, and the name of the chapter is political parties. Students, this is going to be a very interesting and very influential chapter, which I must say that it covers a very, you know, a very good part of your syllabus, and a certain question has been always asked in the exams. So this chapter is going to be very important, students. Keep in mind everything, whatever I'm going to explain you, this chapter is very fascinating. So please keep your mind over here. Students, aap sabka swagat hai, main Abhishek Tiwari, aap sabka swagat karta hu is YouTube platform pe, प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से आपको जो है वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो आगे आप देखिए कि किस तरह से वीडियोस फंक्शन करेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक हियर. सो इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम क्लास 9 से डेमोक्रेसी की जर्नी पे हैं. हमने एक लंबा पोर्शन जो है डेमोक्रेसी का कवर किया है इस पूरे सेशन में, पूरे लास्ट टू ईयर्स से, 9th एंड 10th से, 10th में भी. सो वी हैव कम अक्रॉस पोलिटिकल पार्टी सेवरल टाइम्स. कई बार हम लोगों ने पोलिटिकल पार्टीज नाम के वर्ड को, इस पार्टी नाम के वर्ड को बहुत बार सुना. ठीक है, 9th में भी हमने इसके नोटिस किया कि रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है डेमोक्रेसीज में, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइंस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स. सो इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव ग्लैंस्ड एट पॉलिटिकल पार्टीज एट व्हीकल्स ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर. ओके, सो वी हैव ग्लैंस्ड एट पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर स्टडी किया. ओके, एट व्हीकल्स ऑफ फेडरल शेयरिंग, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, एक व्हीकल्स होते हैं फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर्स. पॉलिटिकल पावर्स की फेडरल शेयरिंग जो है वो उसका व्हीकल, उसका कैरियर वो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वही पावर्स को यहां से वहां ट्रांसफर करते हैं. ओके, एंड एज निगोशिएटर ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरिना ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके साथ साथ क्या होते हैं कि ये निगोशिएटर्स का फंक्शन भी करते हैं इन द एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एरिना में, उसके क्षेत्र में एक निगोशिएटर का काम भी, पावर निगोशिएटर का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करते हैं. सो बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, इस टूर को हम फाइनलाइज करें, इससे पहले लेट्स टेक अ लुक, अ क्लोज लुक एट नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि नेचर एंड वर्किंग क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, उनकी वर्किंग कैसे होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे होते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है. ओके, हाउ डू दे ब्रीज बिटवीन यू एंड द गवर्नेंस. ओके, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. व्हाई डू वी नीड पार्टीज, पार्टीज की हमें ज़रूरत क्यों होती है, हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज सिस्टम ठीक होनी चाहिए. सो इन द लाइट ऑफ दीज वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन टुडेज इंडिया. इसके साथ साथ हम नेशनल और पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट लेवल की हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. देन लुक एट व्हाट इज़ रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज. इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये भी नोटिस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमेरिट्स क्या हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट देम एंड व्हाट कैन बी डू, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिटिकल पार्टीज़. ओके, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी राइट हियर. बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेकिन जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स खड़ा होता है, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम किसी व्यवस्था में हैं, किसी अरेंजमेंट में हैं, सो व्हाई डू वी हैव द नीड ऑफ दैट अरेंजमेंट. ओके, दिस थिंग वी नीड टू नो. So let us see why do we need it. Political parties are easily one of the most visible institutions. जब हम democracy की बात करते हैं बच्चों, तो democracy क्या है, एक intangible form है, मतलब न दिखने वाला, अदृश्य, एक केवल feel कर सकते हैं हम, democracy को हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, so
पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं या टूल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ही इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, किसी जगह के, यू नो, डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के इर्द गिर्द घूमना होता है। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, अगर आप देश के रिमोट पार्ट्स में चले, ठीक है, और कुछ ऐसे एडुकेटेड लोगों से बात करें यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ऐसे लोगों को भी पाएंगे जो हमारे संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारी नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते कि हमारी सरकार की प्रकृति क्या होती है, बट चांसेस आर दैट, लेकिन इसके पूरे चांस होते हैं दैट यू वुड नो समथिंग अबाउट द पोलिटिकल पार्टीज़, लेकिन आप रिमोट से रिमोट प्लेस पे चले जाएंगे, वहाँ पे भी आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अगर आप डेमोक्रेसी का जिक्र करेंगे तो आपको शायद कोई और आंसर ना मिले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लोग बता देंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, इसके लीडर ये होते हैं, इसके लीडर वो होते हैं, तो आसानी से आपको इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। सो एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन, लेकिन इसी समय अगर देखा जाए तो ये जो विजिबिलिटी होती है इसका मतलब पॉपुलरिटी नहीं होता, ठीक है, मीन्स पीपल डू नॉट टॉक अबाउट पॉपुलरली अबाउट यू नो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर लोग बात करते हैं कि आपको कोई आंसर ना मिले बट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नाम मिल जाए जानने को, इट डज नॉट मीन्स दैट दैट पॉलिटिकल पार्टी इज़ वेरी पॉपुलर इन दैट एरिया, सॉरी, सो इसके भी चांसेस होते हैं, ओके सो मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अक्सर आप बात करिए तो लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में वो बड़ा अच्छा नहीं होता है, लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आने पे, लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, अरे सब चोर हैं, ये हैं, वो हैं, लोग अक्सर ऐसे चर्चाएँ करते हैं, आपने सुना होगा, कॉमनली मैं आपसे बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स बहुत गंदी होती है, पॉलिटिकल पीपल बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, दे डोंट हैव एनी बेस, ये कहाँ लुढ़क जाएँ किसी को नहीं मालूम, सो ऑलवेज वी थिंक अबाउट सच अ वर्ड्स for the political people in politics, okay, they tend to blame parties for all that is wrong with our democracy, हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ जो कुछ भी गलत होता है लोग उसका आरोप केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर लगाते हैं, एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, और हमारी पॉलिटिकल जो लाइफ होती है उसके ऊपर ये ब्लेम लगते हैं। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स, पार्टीज़ जो हैं वो आइडेंटिफिकेबल हो गए हैं सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स के साथ में, मतलब सामाजिक और राजनीतिक जो डिवीज़न हुआ है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी आइडेंटिफिकेबल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ओके, देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, इसलिए ये नेचुरल है पूछना, ओके, ये नेचुरल चीज़ें हैं ये जानना और ये पूछना, नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, फिर हमारे साथ फिर क्वेश्चन आता है कि हम पूछते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे लिए अच्छी हैं, क्या हमें उसकी आवश्यकता है कि नहीं। अभी हमने देखा कि सब लोग उसकी बुराई करते हैं, हमने कहा कि मैक्सिमम लोग जो हैं इसकी बुराई करने लगते हैं, आप इनके बारे में बात करें, तो क्या इस जगह अगर मैं क्वेश्चन पूछूं डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल, तो क्या फिर भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, तो आई सपोज कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा कि नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टी जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली यू हैव टू कीप पेशेंस। बच्चों अभी हमने कुछ बताया ही नहीं आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, ये तो केवल एक थोड़ा सा जो है स्लाइट इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, तो आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते यहाँ पे, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन के आंसर को और आगे ले चलते हैं, ओके, अबाउट 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 साल के पहले देयर वर फ्यू कंट्रीज़,
ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पोलिटिकल पार्टीज़। दुनिया में बहुत कम ऐसी पार्टीज़ थी, बहुत से कम ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी। ओके, मींस पीपल थिंक, पीपल डिड नॉट थिंक अबाउट यू नो पॉलिटिकल पार्टीज़ एट दैट टाइम। ओके, इट मींस दैट देयर दैट टाइम द पॉलिटिकल सिस्टम वाज समथिंग डिफरेंट दैन टुडे वी आर फेसिंग राइट नाउ। ओके, जो आज हम फेस कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम, उस समय पॉलिटिकल सिस्टम आज से बिल्कुल अलग था। तो बहुत कम ही लोग, और क्योंकि हमारे पास मीडियाज़ नहीं थे, हमारे पास ऐसे सर्कुलेटरी मीडियम्स नहीं थे, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियोज़ कम थे, तो इसलिए बहुत कम ही लोग इनके बारे में जानते थे। नाउ देयर आर फ्यू दैट, अब क्या हो गया है कि बहुत कम ही लोग हैं डू नॉट हैव पार्टीज़, जिनके पास पार्टीज़ नहीं हैं। ठीक है, मतलब उस समय क्या होता था, बहुत कम ही लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानते थे, पर आज ऐसा हो गया है बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, वरना सभी ने अपने अपने एक पॉलिटिकल पार्टी चूज़ कर रखा है कि मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं कांग्रेस वाला हूँ। ओके, लाइक दिस, व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? फिर क्वेश्चन आता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में इतनी गंदी थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज आज ओमनी प्रेजेंट क्यों हैं? व्हाई दे आर ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर ना? अगर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी गंदी हैं, तो आज वो हर जगह क्यों प्रेजेंट हैं? ओके, दिस इज द रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज हर जगह ओमनी प्रेजेंट क्यों हैं फिर पार्टीज डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड में? सो लेट अस फर्स्ट आंसर। तो इसके लिए सबसे पहले आंसर देते हैं कि व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर, कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं एंड व्हाट दे डू, और ये करते क्या हैं, बिफोर वी से व्हाई डू वी नीड देम ना। तो सबसे पहले अब हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं, ये करते क्या हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत आवश्यकताएँ क्यों हैं। सो दिस इज़ व्हाट द लेक्चर फॉर टुडे। कल से हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड ऑल्सो द वर्क फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इट माइट बी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और टेंजिबली अटैच रहिए आप वीडियो सीरीज से, मतलब आप प्रकट रूप से आप दिखते रहिए, विजिबल रहिए आप इस वीडियो सीरीज से और टीचर के साथ में। इनफैक्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कनेक्ट रहिए सर से अपने, ठीक है, देयर आर सेवरल मीडियम ना, बस हमें हर मीडियम से पढ़ना है। स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड यू अ वेरी डिफरेंट मीडियम, अ वेरी एनर्जेटिक मीडियम, सो स्टे विथ इट एंड स्टे स्टडिंग। ओके, That is all about for today's lecture. Thank you. Have a good day.